अग्रवाल यूथ क्लब भिलाई के तत्वावधान में परंपरा शीर्षक पर एक शाम परिवार के नाम कार्यक्रम का एक दिवसीय आयोजन कलम मंदिर सिविक सेंटर में रविवार को किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण के रूप में पंडित विजय शंकर मेहता जी अपने श्रीमुख से अमृत वाणी की वर्षा करेंगे। बताना चाहेंगे, अग्रवाल यूथ क्लब द्वारा आयोजन का ये दूसरा वर्ष है। इस विशेष कार्यक्रम को लेकर हमने अग्रवाल यूथ क्लब के पदाधिकारियों से खास चर्चा की है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एसीएन न्यूज पर। परंपरा एक अटूट सिलसिला, जी हाँ, इस नाम का एक विशेष प्रोग्राम रविवार को कला मंदिर में आयोजित किया जाने वाला है अग्रवाल यूथ क्लब के तत्वावधान में। आज हम अग्रवाल समाज के जो यूथ क्लब है उनके मेंबरों से, उनके सदस्यों से मिलने आए हैं और ये किस तरह का प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है, ये हम आपको उनकी जुबानी बताएंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनूप अग्रवाल हूँ, अग्रवाल यूथ क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो हमारा कार्यक्रम परंपरा है, ये एक तरह से हमारी शपथ है जो हम साल दर साल आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, यह एक ऐसा सिलसिला है जो साल दर साल आगे बढ़ता रहेगा। जैसे पिछले साल में भी हमने ये कार्यक्रम किए थे, उस कार्यक्रम में हमने जो मुद्दा उठाया था वो व्यापार का था। लोगों को जो व्यापार में तकलीफ होती है उसको दूर करने के लिए हमने मैनेजमेंट, जो बहुत बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है एसपी जैन, वहाँ से प्रोफेसर्स को बुलाया था। उन्होंने लोगों को एड्रेस किया, उन्हें ज्ञान दिया और इस तरह लोगों की मदद हो पाई। सर, ये दूसरा वर्ष है और इस बार का थीम आप लोगों को क्या है? देखिए, इस बार का थीम जो है ना, हमने हर जनमानस के मन को छू जाए वैसा थीम उठाया है। इस बार का थीम है परिवार। देखिए, हर आदमी कहीं ना कहीं एक परिवार के बीच में रहता है और जैसा कि आज के दौर में, आज के युग में हम देख रहे हैं कि परिवारों को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। परिवार एकल होते जा रहे हैं, संयुग से एकल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज इस मुद्दे को, इस समस्या को हमने एड्रेस किया है और इसके लिए जो एमिनेंट पर्सनैलिटी है, जो महा विद्वान है, पंडित विजय शंकर मेहता जी को हमने भिलाई में आमंत्रित किया है 14 तारीख को कला मंदिर में दोपहर को 3 बजे। तो मैं भिलाई की जनता से निवेदन करूंगा कि वहाँ अधिक से अधिक मात्रा में पहुँच के इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाएं, जिससे आपका पारिवारिक जीवन सुगम और सफल बन पाए। इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फी भी है? आपने जैसे कि ब्रोशर में दिया हुआ था, क्या है इसके बताएंगे? जी देखिए, अग्रवाल यूथ क्लब के मेंबर्स के लिए बिल्कुल फ्री है, पर बाहर के लोगों के लिए हमने मात्र 300 रुपये शुल्क रखा है। इसमें स्वल्प आहार की व्यवस्था भी की गई है साथ में। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या लेके चलते हैं आप? देखिए, हमारा क्लब जो अग्रवाल यूथ क्लब है, इसे बने हुए 2 वर्ष हो गए हैं। इस क्लब का मेन मोटो यह है कि समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हर साल अलग अलग लेवल पर कराते रहते हैं। जैसे खेल कूद के लिए हमारा प्रोग्राम आता है अग्रवाल प्रीमियर लीग, उसमें ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से हमारे अग्रवाल भाई उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं साथ में। इसी तरह हमारे कई अलग अलग टाइप के प्रोग्राम होते हैं। तो ओवरऑल सामाजिक डेवलपमेंट के लिए हम तरह तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं और परंपरा उन्हीं में से एक है। जो पिछले साल आपने प्रोग्राम किया था, क्या बेनिफिट हुआ उसका, क्या यानी फायदा कह रही है, उसका लाभ क्या नजर आया? देखिए, बहुत बहुत बड़ा फायदा मिला है जो खासकर हमारे सदस्यों को। देखिए, आज ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं पर पहचानते नहीं है, पर एक बार जब वो लोग क्लब में मेंबर बन जाते हैं तो ये क्लब क्लब नहीं रह जाता है, ये एक परिवार, एक संयुक्त परिवार के समान हो जाता है। यहाँ हर जो शख्स है वो हमारा भाई हो जाता है और भाभी बन जाती है साथ में। तो इस तरह से हम एक बहुत बड़ा परिवार बनते जा रहे हैं। जो मोदी जी का उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम, हम उसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारी सबसे बड़ी सफलता है। इस मिनी इंडिया कहलाता है भिलाई शहर। अग्रवाल यूथ क्लब में सिर्फ समाज के ही अग्रवाल समाज के ही लोग हैं या फिर अदर समाज के लोगों भी आपने शामिल किया? देखिए, अग्रवाल समाज जो हमारा अग्रवाल यूथ क्लब है, इसके सदस्य तो सिर्फ अग्रवाल है, लेकिन जो हमारे कार्यक्रम है, कुछ कार्यक्रम हमने सभी के लिए ओपन रखे हुए हैं। खासकर जो हमारा परंपरा कार्यक्रम है, ये पूरे भिलाई के लिए खुला है। सभी वर्ग के, सभी समाज के लोग इसमें आके इसका फायदा, इससे जो ज्ञान मिलेगा उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि भरपूर मात्रा में वहां पहुंच के इसका अधिक से अधिक मात्रा में फायदा उठाएं। अभी तक रजिस्ट्रेशन कितने परसेंट हो चुका है? जी, हमें भिलाई की जनता से दिल खोल के रिस्पॉन्स मिला है। हमारी जितनी भी टिकटें थी वो पहले ही बिक चुकी थी, अब उसके बाद हमने और एक्स्ट्रा टिकटों की व्यवस्था की है क्योंकि लोगों की डिमांड बराबर बनी हुई है अभी भी। हम मीडिया वालों के लिए कोई आप लोगों की तरफ से? देखिए, मीडिया वाले ऑलवेज वेलकम है, आप लोग बिल्कुल पधारिए कार्यक्रम में। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस कार्यक्रम को अच्छे से कवर कीजिए ताकि जो लोग सीटों की समस्या के कारण इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाए, वो कम से कम घर बैठे इस प्रोग्राम का कुछ तो लाभ उठा पाए।
जो कला मंदिर के बाहर का जो स्पेस है, क्या प्रोजेक्टर के माध्यम से भी लोगों के लिए उसका प्रबंध किया जाएगा? नहीं देखिए जी, अभी जो मौसम जिस हिसाब से बदल रहा है, कभी धूप हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो किसी भी चीज़ को ऑडिटोरियम के बाहर व्यवस्था करना मुमकिन नहीं है। तो हमने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बनाई है, पर ऑडिटोरियम के अंदर बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। फुली एयर कंडीशन ऑडिटोरियम है, कला मंदिर है, BSP की निगरानी में बड़ा बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है। उसके अंदर हमने पूरी संपूर्ण व्यवस्था इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए बनाई है। अपने आप में एक नाम है मेहता जी का, विद्वान है वो, और क्या लगता है क्या छाप छोड़ेंगे यूथ युवाओं पे वे? मेहता जी का सबसे बड़ा जो USP है उनका यह है कि वो आध्यात्मिक चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से युवाओं तक पहुंचा देते हैं। देखिए, आजकल का युवा पुरानी बातों को समझने और उसका पालन करने में कम इंटरेस्टेड रहता है, बट उसमें अगर वही वही चीज़ें साइंटिफिक तरीके से समझा दी जाए तो उससे अच्छा और कोई फॉलो भी नहीं कर सकता है। तो ये बात, ये क्वालिटी मेहता जी में है कि वो युवाओं को ऐसे ऐसे तरीके से बात समझाते हैं कि वो उनके दिल में समा जाती है और उनके आचार और व्यवहार में उतर जाती है। इसीलिए खासकर इसीलिए हमने विजय शंकर मेहता जी को भिलाई में आमंत्रित किया है। ACN के दर्शकों से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, अपील यही है कि अग्रवाल यूथ क्लब के साथ बने रहें, हमारे तरह तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, समय समय पर अटेंड कीजिए। इससे आपकी खुद की पर्सनालिटी का एक ओवरऑल डेवलपमेंट मिलेगा, आप अपने अंदर बदलाव देखेंगे। और ACN न्यूज़ तो हमारा कवरेज करता ही रहेगा, अभी भी और आगे भी, तो देखते रहिए हमेशा ACN न्यूज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो एक यादगार प्रोग्राम कला मंदिर में शाम से है, आप सभी उसके साक्षी बने, और इतने बड़े विद्वान जो कि अपने श्रीमुख से इतना अच्छा वाचन करेंगे, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को सरल और सफल बनाएं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ACN न्यूज़।